हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निशा, ये तो मैं पिछले एक घंटे से सुन रही हूँ। बस पहुंचे ना निशा। ये क्या कर रहे हो? सॉरी, वेट यार, सॉरी। उदय, पागल हो गया क्या यार? अभी हम गिरने वाले थे। मेरी बात सुन, जो भी दिल में है जाके उसको बोल दे अभी। सच में? अबे जा, यही मौका है शेर, मार दे चौका, जा मर्द बन मर्द। शाबाश, तू बोट संभाल। मैं बोट संभाल लूंगा, तू लड़की संभाल। आराम से। पागल हो गए तुम? एक तो हम इतना दूर आ गए, ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली अच्छा ही है ना, देखो कितना रोमांटिक वेदर है। तुम्हें रोमांस की पड़ी है? वहाँ मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी छोड़कर आई हूँ और यहाँ तुम्हारे दोस्त की पार्टी का अता पता ही नहीं है। निशा, एक्चुअली ना तो मेरी फ्रेंड की कोई यॉट है और ना ही कोई पार्टी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निशा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जितना चाहे मार लेना। ठीक है, बोलो। निशा, एक्चुअली यू नो, आई मैं तुमसे बहुत शायद कोई जहाज होगा। ये क्या है? Ritik! Nisha! Ritik! Uday!
यार 3 बज गए, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। यार क्या जरूरत थी रितिक को इतने समुंदर में आगे जाने की? कहीं उनकी नाव डूब तो नहीं गई? कैसी बात कर रही हो मीरा? निशा साहब, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब। पर क्यों साहब? क्योंकि ये समुंदर की वो जगह है जहां पर जीवन और मौत के बीच का दायरा है साहब। इसके आगे मौत है मौत। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हम यहाँ रितिक को लेने आए हैं और उसे सही सलामत लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। साहब ये खुली दरिया है साहब, अगर आपका दोस्त अगर वहाँ पर गया होगा तो जिंदा लौट के कभी नहीं आएगा साहब। क्या मतलब? साहब आत्माएं बसती है वहाँ पर। इसलिए मेरा कहना मानो और वहाँ पर जाने की जी छोड़ दो साहब। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो चल, वरना यही समुद्र में कूद जा। मैं नहीं जाने दूंगा साहब, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा साहब। अबे चुप, हम वहां जाएंगे, अगर तुझे जाना है तो चल, वरना तुझे यही गिरा देंगे। साहब बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत पछताओगे। मेरा अपनी फोन की लोकेशन चेक करो और चेक करो कि रितिक का फोन आसपास है क्या। यार ये फोन तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। यार दोस्तों अब हमें लौट चलना चाहिए, हमें कोस्ट गार्ड की मदद ले लेना चाहिए। ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि रितिक तुम्हारा भाई नहीं है? जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा इंदर वो देखो सामने कुछ है। भाई चप्पू मारो, भाई जल्दी करो, जल्दी। मीरा डैनी भाई इसकी सांसें चल रही है, ये जिंदा है। अगर ये यहाँ पर है तो रितिक और निशा कहाँ है? रितिक, निशा सर, ये सब रितिक का प्लान था। हम लोग समुद्र में इसलिए गए थे ताकि रितिक निशा से अपने दिल की बात कह सके। हम लोग बहुत दूर निकल गए थे सर कि तभी अचानक वहां एक बहुत भयानक हॉर्न बजा और धुंध बढ़ने लगी। तभी हमने देखा कि एक नाव हमारी ओर बढ़ रही है। उस नाव पर से एक औरत मदद के लिए पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस औरत को गोली मार दी, तो फिर एक मछुआरे को भी गोली मार दी। हाँ, तभी अचानक जिस मछुआरे को गोली लगी थी उसने आके निशा का हाथ पकड़ लिया और फिर किसी ने मुझे पानी में खींच लिया सर। क्या, पानी में खींच लिया? हाँ सर, पानी में गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था सर। सर
जो मछुआरा मंगू हमें समुद्र में लेकर गया था उसने हमें बताया था कि वो इलाका खूनी दरिया का है और वहां आत्माएं भटकती हैं। मंगू मछुआरा मंगू कहाँ रहता? मंगू को छोड़िए साहब, मच्छी खरीदना है मुझसे खरीदिए, मेरे पास ताजा माल है एकदम। अरे हम लोग सीआईडी से मच्छी लेने नहीं आए, मंगू का पता बताओ। साहब सीधे जाइए उजवा बाजूला। मैं काम करती हूँ, सोता रहे। ए मंगू, मंगू उठ ना। कौन आ गया? अरे बाबा रुको। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मंगू है घर पे? मुझे पता था, जरूर कल रात इस मंगू ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए तो आज काम पर भी नहीं गया। आइए। अरे मंगू सीआईडी भी आ गई घर पर, उठ जा। तो क्या हुआ साहब? कल रात कुछ बच्चे तुमसे मदद मांगने के लिए आए थे और तुम उन्हें समंदर में लेकर गए थे। हा? हाँ लेकर गया था सब, लेकिन मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं खूनी दरिया वाले इलाके में नहीं जाऊंगा। क्या कल रात तुम वहां गए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। ऐसा होता क्या वहाँ खूनी दरिया इलाके में? अब 2 साल पहले की बात है साहब, हमारी बस्ती में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। एक रात उस समुन्दर के इलाके में गया और वहां पे डूब के मर गया साहब। डूब के मर गया? हाँ साहब, तब से कहते हैं कि रघु और उसके नाव की आत्मा हर रात उस इलाके में भटकती रहती है साहब। क्या रघु की आत्मा? हाँ साहब, उन बच्चों के दोस्तों को भी रघु की आत्मा ने ही नुकसान पहुंचाया होगा साहब। तो चलो फिर आज रात हम भी एक बार मिल लेते हैं रघु की आत्मा से। खूनी दरिया में हम ठीक उसी जगह पहुंच रहे हैं जिस जगह के बारे में हमें उदय ने बताया था, और वक्त भी ठीक वही है, रात के 1 बजे। मैंने सुना है रात को 1 बजे आत्मा की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। बड़ी काम करते हो सीआईडी में और हमेशा आत्मा की बात करते रहते हो। कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ। गुड। हाँ? सर, वो देखो। सफेद रंग की नाव, जल्दी। ये नाव तो बिल्कुल खाली है सर। नहीं सचिन, खाली नहीं है। ये देखो, एविडेंस है, सूखा हुआ खून। इसका मतलब ये वही नाव है जिस पर उदय और उसके दोस्तों पे हमला हुआ है। सही है, देखिए यहाँ पर हेल्प मी लिखा हुआ है, खुरच कर। हाँ, ये ऋतिक या निशा ने लिखा होगा। लेकिन उन लोगों ने इनको क्यों मारा? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आत्मा दोस्ती दुश्मनी नहीं देखती। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। सर ये तो वैसा ही हॉर्न है जैसा उन बच्चों को सुनाई दिया था। सचिन नाव को इस तरफ ले जाओ। अरे बाप रे, इतनी सारी धुंध। मुझे मत मारो। नहीं सचिन, अभी नहीं। ए!
क्यों मारे? सर ये क्या हो रहा है? ये लोग गोलियां क्यों चला रहे? उदय भी तो यही बता रहा था, उसने जो जो कहा था वो सच साबित हो गया, सच साबित हो गया। इसे रोकना होगा। सर, संभाल के, सर यहाँ पे, संभाल के, हाथ दो, संभाल के। ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा कैसा? आप लोगों ने मुझे पता दिया। दया सर कहाँ है? दया सर। ये ऐसा तो नहीं कि दया सर वो उस नाव के पीछे चले गए? हाँ? चलो जल्दी चलो। सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पर नहीं वो नाव, कहीं वो नाव वाली आत्मा दया सर को अपने साथ तो नहीं लेगी? ठीक है, पता करते रहो, जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करते रहो। ओके ठीक है। कुछ पता चला उस नाव का जिसके पीछे दया गया था? नहीं सर, कोस्ट गार्ड को इसी किसी नाव के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और दूसरी टीम को? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, नाव समंदर से उड़ के आसमान में चली गई क्या? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है? पता नहीं दया किस हाल में होगा। सर उस मछुआरे रघु की कुंडली निकाली है जिसके बारे में हमें मंगू ने बताया था। क्या पता चला रघु के बारे में? सर वैसे तो रघु एक बहुत ही गरीब मछुआरा था, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल उसने बहुत ही ऐश में गुजारे। उसके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया था और अपनी बस्ती के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगी। कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसको? सर वो तो पता नहीं, मगर उसने अपनी खुद की फिशिंग कंपनी खोल ली और विदेश में मछलियों का बिजनेस करने लगा था। अचानक पैसा आया और फिर 2 साल पहले मारा गया है। 2 साल पहले उसकी और उसकी बीवी की लाश समंदर में पाई गई, दोनों को गोली मारी गई थी। पुलिस ने तहकीकात की पर खूनी पकड़ा नहीं गया था। सारा पैसा गायब था, जहाज से भी और घर से भी। सर लोगों का मानना है कि रघु के साथ काम करने वालों ने शायद उसे धोखा दे दिया और बदले की आग में उसकी आत्मा तब से समंदर में ही भटक रही है। अच्छी कहानी है, शायद उसी ने फैलाई है जिसने रघु को मारा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है रघु की मौत का और इस केस का। आगे की कड़ी रघु के नाव तक पहुंच के ही मिलेगी। अरे भाई साहब, ये रघु की नाव कहाँ मिलेगी? रघु? कौन रघु साहब? अरे वही रघु जिसकी मौत हो गई थी 2 साल पहले, जिसकी नाव के ऊपर माला लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, उस रघु की बात कर रहे हैं आप? उस रघु की नाव नाला गार्डन जेट्टी के पास मिलेगी आपको। सर वो रही रघु की नाव। भाई साहब सुनो, इधर
मुझे बताओ कि ये नाव इसी तरह यहाँ खड़ी रहती है या फिर रात में कोई इसे समंदर में भी लेके जाता है? मैंने तो 2 साल से इसे यहीं डेरा जमाए खड़े देखा है, मैंने तो कभी इसे समंदर में देखा नहीं। सर फिर हो सकता है कि इसके जैसे ही दिखने वाली दूसरी नाव को कोई समंदर में ले जाता होगा। हाँ श्रेया, बिल्कुल ऐसी ही नाव, उसके ऊपर माला भी लिखा हुआ है। हेलो, क्या? थैंक गॉड। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या उसे? सर, दया सर का पता चल गया। अच्छा, बाय दया सर। दया, कैसे हो यार? कौन? मैं अभिजीत है, तुम्हारा दोस्त। दे, ये आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? कैसी आवाज सर? कोई रो रहा है, कोई औरत मुझे मदद के लिए पुकार रही है, मुझे जाना होगा। अरे दया, देख मिनट, ऐसा कुछ नहीं है दया, कोई आवाज नहीं है यहाँ पे, कोई औरत नहीं है। शांत रहो, तुम्हें भी आवाज सुनाई देगी। सुनो दया सर, ये क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? टापू, जिस टापू पे जाना होगा वो टापू। दया, होश में आओ। अभी हाँ? अभी वो मछुआरा यहाँ पर था, मछुआरा, वो लड़की भी यहाँ पर थी। सर यहाँ कोई नहीं आया सर, ये आपका वहम है। कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है, वो दोनों यहाँ। सर प्लीज आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं। हाँ सर, डॉक्टर साहब एक मिनट सर, ये कैसे, कब तक चलेगा, कब ठीक हो जाएंगे ये? सर देखिए, मुझे इनके ब्लड में काफी मात्रा में बैट्रिक क्लोरोजिन नाम का एक केमिकल मिला, जिसकी वजह से इंसान काफी अजीब अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और उसे हेलोसिनेशन होने लगता है। इसके असर से निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। सर, ये केमिकल उस धुंध पे होगा सर। ठीक करें पूर्वी, इस मछुआरे से मिलते जिसने दया की जान बचाई है। रमेश, थैंक यू वेरी मच, तुमने दया की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है साहब, हमने तो वही किया जो हमें इंसानियत सिखाते साहब। दया सर आपको कहाँ मिले? वो क्या है साहब, कल रात जब हम मछली पकड़ने गए थे ना। ये रमेश, आप बोलना। अरे मेरे को एक बार समझ में नहीं आ रही है कि तू अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में क्यों करा रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो लड़की है। हाँ तो पढ़ लिख के क्या करेगी, आगे चल के तो उसे चूल्हा चौकाई तो संभालना है। ये बहुत गलत सोच आ रही है तेरी। अरे लड़का और लड़की आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और समाज का निर्माण भी तो लड़की करती है, तो फिर ये लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों कर रहा आर्या? मैं तो कहता हूँ तू भी चल और अपने मुनिया का दाखिला स्कूल में करा। तेरी बात में तो दम है। ये रमेश, हाँ वो देख, वो क्या? ये भगवान, लगता है किसी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, समुद्र में कूद के। चल 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 देखते हैं, शायद उसकी सांसें चल रही है। चल
ठीक है रमेश, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बोलो। जरूर। थैंक यू सर। अगर ये केमिकल उस धुंध में था तो इसका असर हम सब पर क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम लोग उस नाव के उतने नजदीक नहीं गए जितने दया गया था। शायद रीति को निशा भी काफी नजदीक चले गए होंगे उस नाव के। हो सकता है, पर वो लोग हैं कहाँ? देखो अखिल, अच्छे तरीके से ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है सर, दूसरी तरफ के गोताखोरों को कुछ नहीं मिला। मान सर, सर ये देख, गोताखोरों ने समुद्र में यहाँ से यहाँ तक का इलाका छान मारा, उन्हें कुछ नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक का इलाका ये सब छान मार दबा तो बहुत बड़ा इलाका है, को ढूंढने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उन खूनियों तक पहुंचने के लिए। समंदर के उस हिस्से में जहां पे नाव का आना जाना नहीं है, वहां पे आत्मा का आतंक फैला भी गया है, ये कुछ और ही चक्कर है। वंच, दबाना खुल देना। ये चक्कर है। क्या हुआ सर? वो दया बड़बड़ा रहा था ना, टापू, लगता है ये वही टापू है। अगर ये वही टापू है जो दया ने बताया था तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फैल जाओ चारों तरफ। ये देख, यहाँ की जमीन हाल ही में खोदी गई। वंश, जरा बोर्ड से कुछ खोदने का सामान लेके आ। सर। एक 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 मिनट, थोड़ा आराम से, यहाँ से निकल। ये तो रितिक और निशा ही है। सर ये देख, चाकू से मारा है दोनों, और सिर्फ एक घाव नहीं, कई सारे घाव, ये गर्दन पे, हाथ पे। सर इसे चाकू से मारा है, इससे तो साबित होता है कि ये किसी आत्मा का काम नहीं है। ये आत्मा वार्ता होती ही नहीं निखिल, सब ड्रामा रचा जा रहा है ताकि इसकी आड़ में कोई गैर कानूनी काम किया जा सके। हाँ सर, कोई ऐसा गैर कानूनी काम जो शायद इन बेचारों ने देख लिया था। तो गैर कानूनी काम क्या है अब हम देखेंगे आज रात। सर हम समंदर काफी अंदर आ गए हैं, अब तक वो बड़ी बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं हम गलत तो नहीं आ गए? निखिल पेशेंस का मतलब समझते हो? हाँ सर। और CID ऑफिसर बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, धैर्य और धैर्य, बहुत सारा धैर्य, समझे? जिन लोगों में धैर्य संयम और बर्दाश्त का मादा नहीं है ना, वो कुछ और बन सकते हैं जिंदगी में, लेकिन CID ऑफिसर नहीं बन सकते। इंतजार करो, मुजरिम आएंगे और जरूर आएंगे।
सर, नाम लिया और शैतान हाजिर। अब ये सारी फिल्म एक बार फिर से चलेगी। श्रेया बैठ जाओ बालकनी में, चलो भाई पिक्चर देखते हैं। बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। ए, क्या हुआ? अरे उसे क्यों मार रहे? अरे एंट्री हो गई। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ो। हाथ छुड़वाएगा? आत्मा है ना तू, छुड़ा ले हाथ। नकली बुलेट मार्क लगा के क्या कर रहा है? अब तेरा और तेरे गिरोह का खेल खत्म। मुझे भले ही पकड़ लिया लेकिन मेरे साथियों तक कभी नहीं पहुंच पाओ। तो शायद भूल गया, मुजरिमों की खातिरदारी करना सीआईडी की बड़ी पुरानी आदत है। तुम लोग जरा इसकी खातिरदारी करो, तब तक मैं इसके साथियों की खातिरदारी करता हूं। जल्दी घुमा ले यहाँ से, और जल्दी हो। क्या भाग रहा? मुझे ढूंढने आ रहा था ना, मैं सामने आ गया तेरे। बोल। चलो चला कि नहीं, असली गोली है इसमें। माफ कर दूँ तुझे। आत्मा बन के लोगों को डराता फिरता है, और क्यों कर रहा था ये? अरे सब सब हम सब कलाकार लोग हैं, सब सब हमको इस बात के पैसे दिए गए थे कि पैसे लेकर के सारी रात नाव लेकर समुद्र में घूमे साहब, और जो कोई भी आता हुआ दिखाई दे उसको डरा करके भगा दे साहब। लोगों को डराने के पैसे मिलते थे? ऋतिक और निशा को मारने के कितने पैसे मिले तुम लोगों को? ऋतिक और निशा, ये ऋतिक और निशा, तुम लोगों ने इन दोनों को मारकर समंदर के किनारे की जमीन में दफना दिया था ना? नहीं सर, हाँ ये सच है कि हम लोगों ने इन लोगों को डराया था, लेकिन हम लोगों ने इन लोगों की जान नहीं ली। जी सर। ए, किसने ली? किसने मारा इन्हें? शायद इसको उसी ने मारा होगा जिसने हमें आत्मा बनने के लिए कहा था। और किसने कहा था आत्मा बनने के लिए? कौन है वो खिलाड़ी? ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग, खाना खाकर नहीं आए क्या? आज कौन सा इलाका लड़ाई मारने का तुम लोग को? मलाश पॉइंट पे। ये बक्से लेकर तुम लोग पानी में कूदोगे और ठीक वहीं छोड़ोगे जहाँ हमारी नाव इनका इंतजार कर रही है। लास्ट टाइम आपका नाव बहुत दूर था, इस बार अगर 5 मिनट से ज्यादा हुआ ना तो डबल चार्ज करेगा आपको, बोल देता है। ठीक है ठीक है, बहुत पर निकल आए तुम लोगों के भी आजकल। सीआईडी सब 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 माफ कर दो सर। गलती नहीं, पीछे चलो। गुनाह किया तुमने, गुनाह पर गुनाह कबूलने का टाइम आ गया है। सब सब हम तो मामूली लोग हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है,
हमें तो जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है साहब। सही है, देखिए मछलियों के अंदर ड्रग्स के पैकेट छुपाकर स्मगल करते हैं। ड्रग्स का धंधा चल रहा है, इसलिए आत्माओं का आतंक मचा रखा था ताकि कोई भी आदमी उस खूनी दरिया तक ना पहुंचे और तुम्हारा काला धंधा चलता रहे। रक्कू को पता चल गया तो उसको और उसकी बीवी को मार डाला तुम लोगों ने। हाँ साहब, रघु और उसकी बीवी को हमने ही मारा था, क्या करता साहब, बॉस का हुक्म था। बॉस है कहाँ तुम्हारा ये बॉस? मिस्टर गोगा, जो माल तुम्हें चाहिए वो आपको कहीं भी मिल सकता है, मगर जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आपके माल की क्वालिटी अच्छी है मैं जानता हूँ, मगर दाम बहुत ज्यादा। अगर आपको चाय मीठी चाहिए ना तो उसमें शक्कर तो ज्यादा डालनी ही पड़ेगी। बेटे जरा मिस्टर गोगा को अपने माल की क्वालिटी तो दिखाओ। यस बाबा। ये देखिए गोगा साहब, बेस्ट इन इंडिया। आपके माल की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, मगर पीस मेरा फाइनल ऑफर, इसके ऊपर मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा मिस्टर गोगा, आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, 25 में डन करते, बोलो। ठीक है, माल की डिलीवरी कौन देगा? मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा उदय। और आप फिक्र मत कीजिए गोगा साहब, आपके माल की रक्षा मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा, डिलीवरी आपको टाइम पे मिलेगी, आई प्रॉमिस। यस सीआईडी रेडी, आप लोग वहीं पे रुकिए। सर रेडियो लगा, इनको हमारी डील के बारे में कैसे पता चला? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, चलो भागो यहां से, निकलो। ये तो भाग रहे हैं। नाटक मत कर, जब तक किए की सजा पूरी नहीं मिलती ना हम तुझे मरने नहीं देंगे। बोल क्यों मारा तुम लोगों ने निशा और ऋतिक को? सर हम गुनाहगार हैं, हम ड्रग का धंधा करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। अगर तूने जान नहीं ली तो तेरे बेटे ने जान ली है, वो दोनों तेरे दोस्त है ना, फिर भी उनको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। नहीं मारा है? मैंने मारा सर दोनों को। क्यों मारा? दोस्त थे ना तुम्हारे? दोस्त दोस्त के नाम पे दबाते सर,
मैं निशा से बहुत प्यार करता था, ये बात जानते भी वो उस रितिक से शादी करना चाहती थी सर, क्या कमी थी मुझ में, इसलिए सर प्लान बनाया मैंने। पापा की भूत वाली अफवाह का फायदा उठाकर मार दिया सर दोनों को। वाह, खेल हो गया आजकल लोगों की जान ले, वो तुमसे प्यार नहीं करती, इतनी सी बात के लिए जान ले ली दोनों की। इतनी सी बात, ये आपके लिए इतनी सी बात होगी सर, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको मारना जिससे मैं प्यार करता था। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसकी जान ही लेती, उसकी खुशी में खुश होते। दो दो खून किए तुमने, तुम्हारा अंत तो फांसी के फंदे पे ही होगा, और तुम दोनों रक्त का धंधा करने के जुर्म में बाकी की जिंदगी काटोगे जेल की काल कोठरी में। ये वही जगह है ना जहाँ पर आत्मा वाली बोर्ड दिखती है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। ये धुन कैसी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.